वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग का जो सेकंड मैच डीजी वर्सेस केडब्ल्यू के बीच खेला जाएगा इसके बारे में। तो गाइज काफ़ी अच्छा मैच है और हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमने कल लंका प्रीमियर लीग में विनिंग की थी उसी तरीके से इस मैच में भी विन करें। इवन देखो ये कल से भी बेहतरीन मैच है, उसका रीजन मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप आओगे ना तो एक प्लेयर आपको दिखेगा डी मुनावरा। हालांकि मैं आपको इस मैच की सारी डिटेल्स दूंगा जो मैच में आपके काम आएगी, जिससे आपका प्रॉफिट होना लगभग तय है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते और वही ट्रम्प कार्ड साबित हो जाते हैं। लाइकली देखो आप एक प्लेयर देख रहे हो डी मुनावरा, सिलेक्शन अभी इनका केवल 9% है। अगर मैं बताता हूं तो गाइज इनका बैटिंग ऑर्डर देख ले, पहले तो वन डाउन बैटिंग, ठीक है, यानी एक आउट हुआ और ये बैटिंग के लिए आ जाएगा। प्लस में इनके रिसेंट की जो परफॉर्मेंस है, लास्ट मैच में 59 रन बैटिंग से और 2 विकेट, उससे पिछले वाले मैच में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उससे पिछले वाले मैच में 74 रन बैटिंग से, कोई विकेट नहीं, बट वो मैटर नहीं रखता है। उससे पिछले वाले मैच में 2 विकेट और फिर उससे पिछले वाले मैच में 27 रन 1 विकेट, और सिलेक्शन कितना इस बंदे का, केवल और केवल 9%। तो भाई ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट वही बात, अगर ये खेलता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, नहीं खेलता है तो फिर गेम उतना मतलब अच्छा नहीं रहेगा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखना, हम सारी चीज़ें देखेंगे। कल का मैच हमारे लिए बहुत अच्छा गया, जो यूजर्स पहले से जुड़े हुए उनको पता भी होगा। इवन हमने भानुका राजापक्सा को नहीं लिया फिर भी क्लीन स्वीप किया। तो मैं आपको एक ही काम कहूँगा, सबसे पहले जो यूजर्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ मिल जाए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक जरूर कर दें। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ पर आप ही की तरह 2 लाख से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ज्वाइन क्यों होना है, क्योंकि फाइनल टीम आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैच के बारे में हम जो नॉर्मल चीज़ें होगी उसके पहले उसको देखते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कल का मैच हुआ था वो टॉस जीतकर जिसने पहले बैटिंग की थी वो मैच को विन की थी, बट अभी की जो टीम है ना, मोस्टली देखो जो डीजी और केडब्ल्यू में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो डीजी की जो टीम है ये इस मैच को विन करने के चांसेज जो केडब्ल्यू की टीम है इससे ज़्यादा रखती है। इसीलिए जो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो इसी टीम के रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों मेरा वाइस कप्तान कौन रहेगा, मर्चेंट डिलंगे। अच्छा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि गाइस देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदा सबसे पहले तो पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, ठीक है, और प्लस पॉइंट ये डेथ में 2 ओवर बॉलिंग करेगा। प्लस पॉइंट दोस्तों आपने T10 फॉर्मेट में तो भाई देखे ही होंगे ना, अबू धाबी T10 के जो मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट के, उसमें आपने देखा होगा, ये देखो बैट्समैन है, ठीक है, ये बॉलर है, ये बंदा यहां पर बॉल फेंकता है, बंदा छक्का मारने की कोशिश करेगा और आउट होगा। मतलब सबसे जो बेहतरीन बॉलर है ना इस टीम का वो यही है। प्लस पॉइंट डेथ में बॉलिंग करेगा, 4 ओवर बॉलिंग करेगा, तो यही रीजन है कि मैं इसको VC बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा जो VC है थोड़ा सा रिस्की है। तो मैं आपको रीजन पहले बता देता हूं, उसके बाद आपको डाउट नहीं हो कि भाई किसको VC बना दिया, क्योंकि और भी अच्छे खासे ऑप्शन है आपके पास, लाइकली डी शनाका हो गए, चारित असलंका हो गए, कैप्टन तो मेरा फ्लिप सोल्ट रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है। और बाकी देखते हैं टीम मतलब प्रोबेबल क्या 11 आती है, बैटिंग ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो बैलेंस विकेट रहेगा और बैट्समैन बॉलर्स को बराबर हेल्प मिलनी चाहिए। प्रोबेबल 11 में अगर आप देखोगे, सोल्ट ओपन करेंगे डिक्वेला के साथ। सोल्ट अभी अभी आपने देखो होगा टीम अबूधाबी की साइड से खेल रहे थे, अबूधाबी T10 में, जो कि T10 में सबसे अच्छी टच में थे, विकेट कीपर है और ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे निरोशन डिक्वेला के साथ, ठीक है। वन डाउन आएंगे दिलशान, फिर जैनत ली आएंगे, फिर नजीबुल्ला जदरान, जदरान ऊपर भी आ सकता है ध्यान रखना, ठीक है। फिर डी शनाका, चामिका करुणा रत्ने, रमेश मेंडिस, ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तहत खेलेगा और श्रीलंका प्रीमियर लीग में इसका रिकॉर्ड मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद नुआन प्रदीप है, ये बंदा भी डेथ में आएगा मर्चेंट डिलंगे के साथ, ठीक है, ये दोनों डेथ के बॉलर है। और नुआन प्रदीप के जो लास्ट के 5 मैच हैं उसमें 8 विकेट है, और मेनली क्या है, डेथ में बॉलिंग करेगा, ये भी 2 ओवर मर्चेंट डिलंगे के साथ, ठीक है। इमरान ताहिर क्वालिटी वाला स्पिनर और मर्चेंट डिलंगे, ओपन डेथ में देखोगे लंगे और इमरान ताहिर है, डेथ में नुआन और मर्चेंट डिलंगे। उसके बाद बैंचमैन के पास शोएब मकसूद, कुशाल परेरा, लेरू उडारा खेलता है तो ओपन करेगा ध्यान रखना, निरोशन डिगवेला के प्लेस में अगर खेलता है तो, और उसके बाद एम लक्षण। अब यहाँ से हम सेकेंड टीम कैंडी वॉरियर्स की साइड चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लें। तो कैनर लेविस यहाँ से जो अहमद शहजाद है इनके साथ ओपन करेंगे। अहमद शहजाद पाकिस्तानी बैट्समैन है, ओपनर है, और रिसेंट फॉर्म देखोगे लास्ट के 2 मैच आप देख लो, 5 मैच में आप देखोगे 77, 5, 49, 46 और 20, और फिर भी अगर आप लोग सिलेक्शन देखोगे इस बंदे का तो केवल आपको दिखेगा 18%। तो ये एक सेकंड ऐसा गेम चेंजर प्लेयर हमारे लिए साबित होगा जिस पे लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से
वन डाउन आएंगे सी असलम का, ठीक है, सबसे बेस्ट प्लेयर है इस टीम के। उसके बाद एंजेलो परेरा, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे इस टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद एसएला गुनारत्ने, और उसके बाद यहाँ से रोमन पोवेल। पोवेल का बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, ध्यान रखना, और उस केस में आप इसको अगर ड्रॉप भी करोगे, क्योंकि बहुत लोग देखो 89% सेलेक्टेड है बंदा, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सामने वाली जब बॉलिंग है ना डेथ में, क्योंकि ऐसे मोमेंट में बैटिंग करने आएगा जो 17 से 18 ओवर या फिर 15 ओवर ले लो, 15 ओवर तक तो बैटिंग आएगी नहीं, ठीक है। और फिर बाद में आ जाएंगे मर्चेंट दिलंगे और नुवान प्रदीप, जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको इसको नहीं मिलेगा। सिलेक्शन 89% है, यही गेम चेंजिंग मूव एक और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंडो मेंडिस, ईशान जयारत्ने, लहरू कुमारा और बी फर्नांडो। ओपन में बी फर्नांडो कुमारा, डेथ में भी सेम आएंगे, जयारत्ने भी आ सकते हैं डेथ में। बेंचमैन के पास अयान श्रीवर्धन है, कैमरॉन डेलपोर्ट और निमेश विमुक्ति है और मेलिंदा श्रीवर्धन है, ठीक है। अब ये तो हो गई मैच की डिटेल्स, अब मैं आपको मेरी टीम दिखा देता हूँ जो मैं इस मैच के लिए स्मॉल लीग में यूज करूंगा। इवन देखो मैंने आपको बता दिया फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगी, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। सो गाइज मैं आपको फैंटाफिट की टीम दिखा रहा हूँ, और यही टीम मेरी ड्रीम इलेवन की भी है, यही टीम मेरी माइशोर इलेवन की भी है, और यही टीम मेरी डार्क राइजर की भी है, कोई चेंज नहीं है। और फैंटाफिट को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो देखो गलती नहीं करनी है आपको, डाउनलोड कर लेना है जिसने भी नहीं किया है। इवन आपको पता होगा अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा की मेरी पर्सनली यहाँ पर विनिंग है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना जिसने भी नहीं किया है। विकेट कीपर में इन दो को लेना है आपको, डिकवेला और फ्लिप सॉल्ट को, ठीक है। बैटिंग में आपको आना है एमएस शेजाद, ये अपना क्रूशल पिक है, डिफरेंशियल पिक, सेफ पैलेस में आप जा सकते हो, या तो एंजेलो परेरा के साथ चले जाओ या फिर रोमन पोवेल है, ठीक है, या फिर नजीबुल्ला जदरान है, बट यहाँ से 7 प्लेयर ऑलरेडी हमने लिए। बाकी देखो शहजाद अच्छा प्लेयर है, अगर अच्छा नहीं होता तो अपन ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही ले लेंगे, प्लेयर बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाला है। दो तो ये हो गए बैटिंग सेक्शन से, 3 प्लेयर हो गए, और लाउंडर सेक्शन में डी शनाका और डी मुनावीरा और ए गुनारत्ने। बॉलिंग में इमरान ताहिर, मर्चेंट डिलंगे, नुवान प्रदीप। अगर आप लोग हल्का सा भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि शनाका की टीम में ऑलरेडी मतलब 4-5 से ज़्यादा बॉलर खेल रहे, तो शनाका के बॉलिंग के चांसेस क्या है कम है, क्योंकि रमेश मेंडिस हो गया, ठीक है, सी करुणारत्ने हो गए, तो ये प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे 4 ओवर बॉलिंग करवाएंगे। तो यहाँ से शनाका के प्लेस में आप रमेश मेंडिस के साथ चले जाना या फिर करुणारत्ने, अगर आप रिस्क ले सकते हो, और ये रिस्क ऐसा है जिसको आप परफेक्ट रिस्क में कह सकते हो। तो ये मेरा सजेशन है, बिल्कुल अच्छे प्लेयर है। देखें करुणारत्ने यार सब जानते हैं, चामिका करुणारत्ने को भी, रमेश मेंडिस को नहीं जानते हूँ क्योंकि ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। तो ये डी शनाका के क्या है, बैटिंग के तो चांस है नहीं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 3 ऐसे टॉप ऑर्डर के प्लेयर ले लिए, और ये वैसे भी 6 नंबर पर बैटिंग के लिए आएगा। बॉलिंग में भी 1 से 2 ओवर बॉलिंग है, तो अगर आप देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सेफ ऑप्शन मुझे जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग खेलते हैं मेरी टीम के साथ, तो यहाँ से मैं नहीं ले सकता हूँ रिस्क। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि शनाका के पैलेस में या तो करुणारत्ने के साथ चले जाओ या रमेश मेंडिस के साथ, जो भी सही लगे, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग मैंने आपको दिखाई दिए, ताहिर लंगे और प्रदीप, कैप्टन वाइस कैप्टन में फ्लिप सोल्ड कैप्टन, वीसी मर्चेंट लेंगे। तो ये मेरी टीम है, और यही टीम हर जगह की है जहाँ पर भी आप खेलते हो, कोई चेंज नहीं होने वाला है। और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, लाइकली फ्लिप सोल्ड की टीम की पहले बॉलिंग, ठीक है, उसके अलावा ये जो डी मुनावीरा है ये खेले, तब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, ठीक है। बाकी देखते हैं टीम की क्या प्रोबेबल 11 सारी चीज़ें आती है, ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाए, ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।